वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले है ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। जब बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरीज में ब्लड की जो फोर्स होती है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये फोर्स तब होती है जब बॉडी में ब्लड दिल से तमाम कैपिलरीज नेटवर्क की तरफ फ्लो करता है। ये फोर्स यानी प्रेशर तब जनरेट होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स ये दिल के वाल्व्स होते हैं। एओर्टा के अंदर ब्लड का प्रेशर हायर होता है। जैसे जैसे ब्लड आर्टरीज की तरफ मूव करता है तो ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है। आर्टरीज की वाल इलास्टिक होती हैं, तो जैसे ही ब्लड आर्टरीज में से फ्लो करता है तो इनको स्ट्रेच कर देता है, जिसे हमें पल्स फील होती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की दो टाइप हैं, एक है डायस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर ये रिलैक्सेशन फेज होती है, यानी इस फेज में आर्टरीज और ब्लड के दरमियान कोई प्रेशर मौजूद नहीं होता और इंडिविजुअल के अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है डायस्टोलिक प्रेशर की वो होती है 75 और 85 के दरमियान और ब्लड प्रेशर का यूनिट है मिलीमीटर मर्करी। सेकेंड टाइप है सिस्टोलिक प्रेशर। इस स्टेज में ब्लड के अंदर हाईएस्ट प्रेशर होता है और नॉर्मल रेंज होती है इंडिविजुअल के अंदर 120 मिलीमीटर मर्करी। ब्लड प्रेशर बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करता जाता है, यानी कम होता जाता है। बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर में कमी तब होती है जब फ्लोइंग ब्लड और ब्लड वेसल्स की वाल के दरमियान में फ्रिक्शन होती है। तो इस तरह हम कहते हैं ब्लड मूव करता है हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ। इसके अलावा ब्लड फ्लो के रास्ते में कुछ अदर चेंजेस भी होती हैं, जिनमें से दो जो हैं हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट चेंजेस है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है जैसे ही ब्लड कैपिलरीज या वेन के अंदर पहुँचता है। सेकेंड चेंजेस है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है जैसे ही ब्लड मूव करता है आर्टरीज या फिर आर्ट्रियोज के अंदर। तो आर्टरीज ये कैपिलरीज से निकलने वाली वेन्स होती हैं और इन आर्टरीज से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। इसी तरह रेट ऑफ ब्लड कम हो जाता है कैपिलरीज के अंदर भी, लेकिन फिर से अगेन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है वेन्यूल्स एंड वेन्स के अंदर। तो कैपिलरीज जब आपस में कंबाइन होती हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वेन्स बनते हैं। ब्लड फ्लो के रास्ते में चेंजेस तब देखने में आई हैं जब वेसल सिस्टम के क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजेस देखी गई थी। वेन्स में ब्लड का फ्लो वेन्स के सराउंडिंग में मौजूद मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से मेंटेन रहता है। इसी तरह वेन्स में मौजूद सेमीलूनर वाल्व्स प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड के फ्लो को वापस जाने से रोका जाए। मस्कुलर कैविटी में शामिल हैं ब्रीथिंग मूवमेंट जो कि बॉडी में ब्लड के नॉर्मल फ्लो में हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर।